हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब का मेरे झारखंड किंडो टेरेस गार्डन में मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज 16 अप्रैल है और सवेरे के लगभग 7:30 बजे हैं। दिन है सोमवार। आज का अपडेट देने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स। अपडेट शुरू करने से पहले, मेरे वीडियो हर एक दिन के बाद आता है और जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हैं उन सबों को मैं मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आप सबों के मोबाइल में मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और जो भी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और आज का अपडेट मैं मेरे छोटे छोटे बेबी प्लांट को आप सबों से को दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, बाइक कैमरा से देख लीजिए। आज 15 अप्रैल है। चलिए आज लौकी के पौधे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर दो लगाऊंगी और एक कंटे एक बोरे में यहाँ पर भर के रखी हूँ। और एक दिखाती हूँ कहाँ पर है। अच्छा, एक मैं यहाँ पहले जो मैंने लगाया था उसी जगह लगाऊंगी और यहाँ पर लगाऊंगी। चलिए देखिए, मेरे 6 के 6 वो लौकी के पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। चलिए लेके लगाते हैं अब। पहले तो इस बोरे में मैं पानी डाल लेती हूँ। थोड़े से इस बोरे के मिट्टी को मैं गड्ढे टाइप का बनाती हूँ ताकि पानी इसमें रुके रहे जब मैं डालूंगी तो। देखिए इसके जड़ कैसे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें एक ही लगाऊंगी। मैं सोच रही थी यहाँ पर एक लगाऊंगी जो जहाँ मैंने पहले लगाया था और इनसे मैं 3 लौकियाँ ले चुकी थी और कीड़े लग गए और पेड़ मर गया। तो मैं अभी सोच रही हूँ नहीं लगाऊं, क्योंकि इसमें अभी मैं लगाऊंगी तो थोड़े तो गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ टमाटर और तुराई के पौधे लगे हुए हैं तो उनके जड़ डैमेज हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं पर एक लगाई हूँ, वहीं पर दूसरे को भी लगा दूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने 2 लगाया हुआ है और यहाँ पर 2 है, फिर सामने उस जगह में एक बोरे दिख रहा है वहाँ पर भी 2 मैंने लगा लिया है, यहाँ पर नहीं लगाया। चलिए अब कुछ हार्वेस्ट कर लेते हैं। आज पौधे तो हरे भरे हो गए, देखिए एक बार फ्रूटिंग लेने के बाद, और कुछ कुछ फ्लावर्स भी आने लग गए हैं, अब आपको दिख रहा होगा। और यहाँ के टमाटर भी मैं आप सबों को दिखा ही देती हूँ कितने लगे हुए हैं। देखिए एक ही पौधा है लेकिन बहुत सारे लगे हुए हैं, क्योंकि इसे मैंने बड़े बोरे में लगाया हुआ है। चलिए अब इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक ही है,
मुझे लगता है भिंडी भी कुछ होंगे। चलिए आज फिर से मेरे भिंडी की हार्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी मैं रोज ही कुछ ना कुछ हार्वेस्ट कर लेती हूँ। केवल 18 छोटे से प्लास्टिक के बाल्टी में मैं लगाई हूँ। देख, ओके फ्रेंड्स, हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ। उस दिन के एक नेनुए है, उसे भी आज तोड़ लेती हूँ। उस दिन बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा था। ही साथ चलिए अब कुछ करेले भी है, उसे भी तोड़ लेती हूँ। और देखते हैं होगा या नहीं। उतने ज्यादा मेरे इस करेले के पौधे से फूल करेले नहीं मिले, इसलिए मैंने दोबारा से लगाई हूँ। एक दो चार ही मिल रहे हैं। मेरे बच्चे तो खा नहीं रहे हैं, इन्हें पसंद नहीं है। ना इनको भिंडी पसंद है ना करेला, बाकी सबको तो खा लेते हैं। आज ज्यादा हार्वेस्ट तो नहीं की हूँ। देखिए, 4-5 करेले है और 5 भिंडी है, 5-6 भिंडी और 1 नेनुआ और 1 ही लोबिया मिला है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बीन्स लगाई थी, उसे आप सबों को दिखाती हूँ। कुछ कुछ पौधे देखिए ग्रोथ करने लग गए हैं। अभी तक मैंने तुरंत देखिए खरपतवार वगैरह निकल गया है। और सभी में एक दो निकले हैं। देखते हैं, अगर नहीं सब नहीं निकलेंगे तो मैं तो दोबारा से इनमें और मेरे बीज बचे हुए हैं उसे लगा दूंगी। चलिए, और अभी तक तो मेरे धनिया नहीं निकले हैं, मैं पिछले वीडियो में भी दिखाई थी। मैं आपको मेरे कल उस पिछले वीडियो में भी बताई थी कि मेरे बैंगन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। बाकी पत्ते तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ उसी तरह से हो गए हैं। देखिए, अपने से ही झड़ जा रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे भी पता नहीं चल रहा है अभी तक। मैंने फंगसाइड पाउडर वगैरह, मैं सोची फंगस लग गया है इसलिए फंगसाइड पाउडर डाली थी, फिर भी कुछ तो ऐसे ही अपने से ही कुमल जा रहे हैं। जो बड्स यहाँ पर लगा था वह भी देखिए खराब हो गया है। और मेरे बाकी के तो प्लांट बैगन के सब ठीक ही है। देखिए, इनमें भी बड्स और फ्लावर आने लग गए हैं। अब देखती हूँ और मैं इसमें डाल के देखूँगी फंगसाइड पाउडर और कुछ दवाइयाँ छिड़क दूँगी। केवल एक ही प्लांट मेरे इस तरह से हो गए हैं। चलिए और दूसरा दिखाती हूँ। देखिए, यह मेरा करेला का पौधा है, यह भी अब अच्छी तरह से ग्रोथ करने बढ़ने लग गया है। और इसमें मुझे खरपतवार वगैरह को निकालूंगी। इसके बाद इसके लिए ऊपर लत्तर बेल चढ़ने के लिए कुछ बनाऊंगी, रस्सी के सहारे से, पतले डोरे के सहारे से। आप देख लीजिएगा, मैं जैसे बाकी प्लांट में करती हूँ उसी तरह से इसमें भी करूँगी। और दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने कद्दू कल ही लगाया था। इसमें सभी में मैंने आप कल ही देखे हैं, कुछ तो थोड़े से बड़े हरे भरे होने लग गए हैं। जैसे छोटे से डिस्पोजल ग्लास में था उससे जब शिफ्ट की तब से। और यहाँ पर तरबूज मैं लगाई थी, लेकिन केवल इसमें 3 ही पौधे अभी तक निकले हैं और शायद नए भी निकलेंगे बाकी। और यहाँ पर मैंने ककड़ी लगाया था, पता नहीं पिछले वीडियो में मैं
ककड़ी ही बोली थी या कुछ और बोली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। देख लीजिएगा, यह ककड़ी है। देखिए सभी प्लांट तो अच्छी तरह से निकल गए हैं और बेल ऊपर आने के लायक हो गए हैं। इसमें मैं ऊपर लगा दूंगी बेल चढ़ने के लिए। और दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने लोबिये मैंने उस साइड में देखिए इस साइड में रखा हुआ था, यहाँ पर उसे मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे इस पुराने पेड़ में रेड माइंट का अटैक हुआ था, मैं बताई थी रेड माइंट का अटैक हो गया था, तो फिर इसे भी मैं यही रखूँगी सोची थी, लेकिन जब मैं रखती तो दोबारा से उस पौधे में भी रेड माइंट का अटैक हो जाता, इसलिए यहाँ से उठा कर ये वहाँ पर रख दिया है। चारों को अर्क बहुत अच्छे से हरे हरे ग्रोथ कर रहे हैं। अब मुझे इसमें भी लतर चढ़ने के लिए कुछ रस्सी के सहारे से बनाना होगा। मुझे लगता है आज मुझे इस लोबिया के प्लांट से भी कुछ हार्वेस्ट मिलेगी। बड़े बड़े से हो गए हैं कुछ कुछ, मैं आज छोड़ दूंगी तो फिर बीज बड़ा हो जाएगा और सूखने लगेगा। भिंडी का तो मैं रोज ही हार्वेस्ट लेती हूँ, आज भी फिर तैयार हो गया है, दिख रहा होगा, आज भी मैं हार्वेस्ट ले लूँगी। देखिए मेरे कुछ फूलगोभी एक दो छोटे छोटे ही हैं, शायद लेट से इसकी ग्रोथ हुई, अब इसका सीजन चला गया इसलिए छोटा छोटा ही है फूलगोभी, उसे भी आज हार्वेस्ट कर लूँगी। ओके फ्रेंड्स, हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ। उस दिन मैंने यहाँ से एक कोमड़ा हार्वेस्ट किया था, एक बचा हुआ था, उसे भी आज कर लेते हैं क्योंकि बढ़ गया है। इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा है। चलिए अब थोड़े ही हैं यह लोबिया, इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए आज की हार्वेस्ट 16 अप्रैल के, कल का भी थोड़ा कुछ हार्वेस्ट की थी उसे भी दिखाऊंगी। कुछ भिंडी है और ये देखिए कुछ लोबिये और छोटे छोटे है ले फूल गोभी। और देखिए एक कोमड़ा है, ये भी इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर कुछ नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय।